क्या बच्चे के जन्म के बाद आलिया भट्ट के करियर पर लगेगा ब्रेक? अपने बच्चे को लेकर आलिया ने लिया सबसे बड़ा फैसला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। अप्रैल 2022 में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंधे और उसके कुछ समय बाद ही कपल ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी, जिसे सुनकर फैंस काफी खुश हुए थे। और अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के बाद आलिया रणबीर अपने क्यूट लिटिल बेबी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ आलिया अपने इस प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में आलिया के घर एक फैमिली फंक्शन रखा गया था, जिसमें प्रेग्नेंट आलिया काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं अब आलिया भट्ट ने अपने बच्चे के जन्म के बाद के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट अपनी प्रेगनेंसी के बाद काम पर नहीं लौटेंगी, बल्कि अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी। आलिया काम पर वापस आने की बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है और वो अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस करना चाहती हैं। बच्चे के जन्म के बाद आलिया ने कम से कम एक साल तक काम पर ना आने का प्लान बनाया है। इन छुट्टियों में वो खुद का और अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी और उसके बाद ही काम पर वापस लौटेंगी। जबकि आलिया भट्ट का शूटिंग स्केड्यूल भी काफी बिजी है, जहां उन्हें करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी करनी है। वहीं रिपोर्टेडली आलिया ने SS राजा मौली सर के साथ भी एक और फिल्म साइन की है। इसके अलावा आलिया प्रियंका और कटरीना के साथ जीले जरा फिल्म पर भी काम कर रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स के शूट को आलिया कुछ समय के लिए पॉज करने वाली हैं। वेल, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही काम पर वापस लौट आती हैं, लेकिन आलिया अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहती हैं और अब जल्द कपूर खानदान में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है और हम सभी को इंतजार है इस नन्ही जान का। फिलहाल आलिया के इस डिसीजन को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड नजर।